हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लिमिट स्विच क्या है, कैसे वर्किंग करता है यह देखेंगे। यह हमारे पास एक हैवी ड्यूटी लिमिट स्विच है और इसकी जो इनपुट पावर सप्लाई है वोल्टेज 125 वोल्ट में ये 20 एम्पियर करंट लेता है और वैसे जैसे 125 वोल्ट अगर डीसी देते हैं तो 5 एम्पियर करंट लेगा और 250 वोल्ट में ये 15 एम्पियर करंट एसी अगर डीसी देते हैं तो 1.5, उससे 480 वोल्ट देते हैं तो 10 एम्पियर, 600 देते हैं तो 5 एम्पियर। और इसका इस्तेमाल हम ईओटी क्रेन में करते हैं। जैसे क्रेन फॉरवर्ड में चलती है, फॉरवर्ड में लिमिट तक आती है तो ये लिमिट स्विच कट जाता है, उस पर क्या होगा फॉरवर्ड क्रेन नहीं चलेगी, फिर हम उसको रिवर्स चला सकते हैं फॉरवर्ड में, क्योंकि ये स्टार्टर को ऑफ कर देता है। चलिए फिर देख लेते हैं कैसे वर्क है। और एक इसका ये लीवर है, इसको इसके अंदर हम अपने हिसाब से एडजस्ट करके लगा सकते हैं, ये कैसे भी हम अपनी जाम को सुविधा हो लगाने के लिए वैसे लगा सकते हैं। और इसमें एक एलन की बोल्ट होता है, टाइट कर देंगे, इसको खोल लेते हैं। इसमें एनओएनसी कॉन्टेक्ट रहते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें दो एनओ और दो एनसी है, एनसी और एनओ। ये हमको जब हम इसके कनेक्शन करते हैं, आगे इसके कनेक्शन करके दिखाएंगे कि कैसे इसके कनेक्शन किए जाते हैं स्टार्टर के साथ, स्टार्टर को कैसे ऑफ करता है ये आगे हम वीडियो बनाएंगे। उसमें ये हम एनओ टर्मिनल भी यूज कर सकते हैं, जो एनओ है एनओ कॉन्टेक्ट, और एनसी भी, वो हमारे ऊपर है कि कैसे हम इसके कनेक्शन करते हैं। और ये क्रेन में लगता है, और अदरवाइज हम कहीं इसको लगाना चाहें कि हमारा कोई भी इक्विपमेंट अगर लिमिट पे स्टॉप करना हो तो ये लिमिट स्विच वहां लगा दिया जाएगा, उसी लिमिट्स पे जहां हम इसको लगा के और जहां तक इसको लगा के अगर रखेंगे वहीं जाके ये उसको ऑफ कर देगा। इसको हम पीएलसी के अंदर भी यूज करते हैं, जैसे पीएलसी में क्या होता है फीडबैक के लिए इसको यूज कर लेते हैं। जैसे एनोमीटर कनेक्शन किया, जैसे एनओ से एनसी होगा लिमिट स्विच कटेगा, उस हिसाब से पीएलसी उसको ऑफ कमांड दे देती है और सिस्टम को ऑफ कर देती है। ऐसे हम स्टार्टर में यूज करते हैं। इससे आगे जो वीडियो बनाएंगे उसके कनेक्शन कैसे करते हैं स्टार्टर के साथ वो दिखाएंगे। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही।